हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम की रसोई। आज हम बहुत ही रिफ्रेशिंग जूस बना के रेडी करेंगे, और अगर आपने इसको एक गिलास पी लिया तो गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाली, क्योंकि ये गर्मियों का ही फल है, गर्मियों में ही आता है और इसको हम सब खाते हैं, हमारे घर पे रखा ही रहता है। लेकिन आज हम इसको नए तरीके से बना के रेडी करेंगे। बिल्कुल सही, आज हम बनाएंगे वाटरमेलन का जूस, और ये बहुत टेस्टी लगता है। जिन्होंने पिया होगा उनको तो पता ही होगा कि कितना टेस्टी लगता है, और जिन्होंने नहीं पिया तो चलिए आप मेरे साथ ये जूस बना के रेडी करें। बहुत यमी और बच्चों को बहुत पसंद आने वाला जूस है। और फ्रेंड्स, इस तरह की बहुत सारी रेसिपी के वीडियो मेरे चैनल में मैंने डाल रखे हैं, जहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और इतनी टेस्टी टेस्टी डिश आप अपने घर में बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। आज हम तरबूज का जूस बनाएंगे, तो मैंने 2 kg का तरबूज ले लिया है, और इसको मैंने अच्छे से धो के एक कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम इसके 3 टुकड़े कर लेंगे, तो मैंने आधा ही लिया था, उसके भी मैंने 3 टुकड़े कर लिए। सारे बीज मैंने इसी चाकू के हेल्प से अलग कर लिए, बहुत इजीली सारे बीज अलग हो जाते हैं। अब हमने एक बर्तन ले लिया, तरबूज के छोटे छोटे पीस काट लेंगे और इसी बर्तन में डालते जाएंगे। और तरबूज गर्मियों के सीजन में ही आता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में तरबूज में पानी पाया जाता है, तो जब हम तरबूज खाते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा करता है। गर्मियों में तरबूज तो खाना ही चाहिए, लेकिन इसी के साथ अगर हम इसका जूस बना देते हैं तो फिर पूछिए मत कितना यमी लगता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और ऑल के निशान पे जरूर आप क्लिक कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को एक बार पूरा वो जरूर किया करें। और अब हमने सारे पीस काट लिए, एक जार ले लिया, और ये सारे पीस हमको जार में डाल देने हैं। इसी के साथ हमको डाल देना है 4 चम्मच चीनी, तो 1 गिलास के हिसाब से 1 चम्मच चीनी ऐड करनी है। तो मैंने ये टेबल स्पून ले रखा है, 4 टेबल स्पून मैंने चीनी डाल दी, और ये काला नमक है तो 1 टेबल स्पून मैंने काला नमक भी ऐड कर दिया। पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि इसमें खुद ही बहुत पानी रहता है। और अब हमको पीस लेना है, अच्छे से पीस लेना है, इसमें कोई चंक्स वगैरह नहीं इसके बचे, तो छानने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हम पीस लेते हैं। बहुत अच्छे से जूस बन के रेडी हो गया है, 1.5 मिनट लगे मुझे जूस बनाने में। अब हमको इसमें नींबू ऐड करना है, तो मैंने आधा नींबू ले लिया है, और नींबू का रस भी जार में ही ऐड कर देंगे, फिर हम इसको छानेंगे। तो मैं एक बड़ा बर्तन ले लेती हूँ, उसी के ऊपर मैं छन्नी रख देती हूँ, और अब डाल देंगे जूस। और इसको आप स्पून की हेल्प से या फिर विस्कर की हेल्प से ऐसे ही चलाते हुए छान लें, बहुत इजीली छन जाता है, इसमें बहुत ज्यादा कचरा कुछ नहीं निकलता है। अगर आप अच्छे से पीस लेंगे तो बिल्कुल आपका भी जूस ऐसे ही बन के तैयार होगा, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। और ये देखिए, बस इतना सा ही वेस्टेज इसमें निकला है। और ये देखिए कितना अच्छा जूस हमारा रेडी हो गया, बिल्कुल रेड कलर का, और इसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, ओरिजिनल जूस है। जब आप इसको पियेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मार्केट से तो कई गुना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने घर ही में बनाया है, तो इसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल पानी ऐड नहीं है। और अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो हमने ले लिया है कुछ मिंट की पत्तियां, ये फ्रेश मिंट है, मैंने इसको धो के ले लिया, और इसको छोटी छोटी चॉप कर लूंगी, आप चाहें तो इसको कूट भी सकते हैं। और इसको डाल लेते हैं एक कटोरी में। अब हम रख लेते हैं ग्लास, और इसमें डाल देंगे आइस, आप आइस अपने हिसाब से कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 आइस क्यूब डाली है, और फ्रेश मिंट की कटी हुई पत्तियां आधे आधे चम्मच ऐड करी है, और ये हमने अब जूस सर्व कर लिया। और इसी तरह के वीडियो और भी मैंने अपने चैनल में डाले हैं, आप वहां से जाके
ऐसे वीडियो देख सकते हैं और रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। मैं उनकी लिंक आई बटन में दे दूंगी, तो प्लीज़ एक बार आप ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और ये ड्रिंक आप एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला ड्रिंक है, तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए थैंक यू। आप अपना सपोर्ट ऐसे ही मुझे देते रहें, मैं ऐसी नए वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।